Hello everyone, hello mommies and daddies, welcome to my channel Neha here. I hope आप सभी अच्छे होंगे. आज के वीडियो में जैसा कि आपको कंटेंट से समझ में आया गया है is all about diaper. बहुत सारे लोगों के questions रहते हैं diaper को related, especially new parents जो first time parents बन रहे हैं. बहुत सारे doubts उनके मन में होते हैं. क्या हमें बच्चों को डेली डायपर पहनाना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक दिन भर, क्या बच्चे को डायपर पहनाना चाहिए. ऐसे बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे कॉशंस है. डायपर्स के कारण डायपर रेशेज होने के चांसेस रहते हैं क्या, या बेबी को डायपर सूट होता है क्या. बहुत सारी क्वेरीज जो पेरेंट्स के मन में रहती है. तो आज का जो वीडियो है उन सारी क्वेरीज का सलूशन है. इस वीडियो में हम टोटली बात करने वाले हैं डायपर की सेफ्टी से रिलेटेड. अगर बच्चों को डायपर पहनाना सेफ है तो वो किस हद तक सेफ है, क्या हम उसे रोज पहना सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायपर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको डायपर पहनाने से पहले ध्यान रखना. इज सेफ फॉर बेबी और नॉट? तो यस, इट इज टोटली सेफ फॉर बेबी. बट डायपर पहनाना तो सेफ है, लेकिन डायपर्स के केस में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि आगे इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ. वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट छोटी सी, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. बिकॉज पेरेंटिंग रिलेटेड अपलोड करूंगी वो कोई भी आपके साइड से मिस हो. सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डायपर के केस में, आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऑलवेज परचेज करते समय ध्यान रखें डायपर किसी भी अच्छे ब्रांड का हो, किसी भी अच्छी कंपनी का हो. यानी कि आप जब डायपर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने ये इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि डायपर जो है वो किसी भी अच्छी कंपनी का हो. और स्पेशली जेल बेस्ड डायपर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जेल बेस्ड डायपर यूज करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए, उनका एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छा होता है, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए जो है सेफ रहेंगे बेबी के लिए. गाइज ऑलवेज ट्राई टू कीप इन योर माइंड, और आप डायपर परचेज करें तो वो किसी भी अच्छी कंपनी का हो. मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी पैम्पर्स है और हगीज है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं आजकल. क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मार्केट में आ गए हैं, तो बहुत सारी ब्रांड्स के आपको डायपर मिल जाएंगे, लोकल डायपर भी मिल जाएंगे. तो कई बार पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा डायपर यूज करें. तो जब भी डायपर परचेज करें मेक श्योर करें, और ऐसा नहीं आपने एक बार परचेज कर लिया किसी ब्रांड का तो वो आपके बच्चे को सूट नहीं हुआ, तो आप सोचेंगे कि यार इतनी अच्छी ब्रांड में इन्वेस्ट किया फिर भी सूट नहीं हुआ. तो डायपर हमेशा चेंज भी करते रहना चाहिए, एक बात जरूर ध्यान रखें. तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि डायपर के केस में आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है. अगर आप डेली डायपर यूज करती हैं तो प्रॉपर हाइजीन आपको मेंटेन जरूर करना है. सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए अगर आपने किसी अच्छे ब्रांड का डायपर भी परचेज किया है. लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हर बेबी अलग होता है, बेबी की बॉडी टाइप अलग होती है, तो ये ओनली ऑन पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. आपको ही एनालाइज करना है अपने बेबी को कि क्या उसकी जो पी है उसकी एब्जॉर्प्शन पावर कितनी है डायपर में, यानी कि वो कितनी पर की जो सॉकिंग पावर है वो एक पी में आपको चेंज करना पड़ रहा है या दो से तीन पी में करना पड़ रहा है. क्योंकि डायपर की जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम 4 to 5 hours होती है. एवरी 4 to 5 hours आपने डायपर चेंज करना ही पड़ता है. लेकिन इट डिपेंड्स ऑन बेबी टू बेबी, ये वेरी करता है बेबी टू बेबी के ऊपर कि वो आपको डायपर कितने आवर्स में चेंज करना पड़ रहा है. हो सकता है एक पी में ही बेबी को इरिटेशन होता है तो उसी में आपने चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है आधे घंटे में करना पड़े, और हो सकता है आपको 4 to 5 hours के बाद भी आप चेंज कर सकते हो. तो इट टोटली डिपेंड्स बेबी टू बेबी. तो ये सारी चीजें आपको खुद ही एनालाइज करनी पड़ेगी. एंड देन डायपर के केस में आपने ये तो हो गई एनालाइज करने की बात, अब हाइजीन के केस में आपको और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है. आपने जब भी आप डायपर यूज करें तो यूज करने के पहले अच्छे से क्लीन कीजिए प्राइवेट एरिया को, और वीक में एक बार जरूर डेटोल का यूज करें क्लीन करने के लिए. वाइप्स का यूज जितना हो सके कम यूज कीजिए, बिकॉज उसमें अल्कोहल होता है, तो कहीं बेबी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, उसके कारण उसे बहुत इरिटेशन फील होती है. तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम बेबी के केस में अगर घर पे होते हैं तो आप मेक श्योर करें कि किसी भी साफ कॉटन के क्लोथ का यूज करें बेबी के प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए. नॉर्मल पानी से डेली वॉश करना है, नॉर्मल पानी से
कॉटन के साफ क्लोथ से आपने ड्राई करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उस एरिया को आपने एयर ड्राई करना है, हवा के कॉन्टेक्ट में आने जरूर देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड स्पेशली आप अगर डायपर पहना रहे हो तो आपने पूरे दिन भर में 4 से 5 बार उस एरिया को थोड़े टाइम के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हवा के कॉन्टेक्ट में ज़रूर आने देना है, जिससे कि वो एरिया थोड़ा ड्राई रहे, क्लीन रहे, हाइजीन रहे। तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। इफ़ यू आर यूजिंग कॉन्टीन्यूसली डायपर तो आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। तो ये प्रॉपर हाइजीन आपने ज़रूर मेंटेन करनी है। वीक में एक बार डेटोल से ज़रूर वॉश करें, क्लीन करें, और फिर नॉर्मल कॉटन के क्लोथ से आप उसे वाइप आउट करें। इसका यूज़ ओनली आप जब बाहर जाते हो स्पेशली तभी यूज़ करें, बिकॉज उसमें भी बहुत ज़्यादा अल्कोहल होता है, तो वो स्किन को इरीटेट करता है कई बार, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। और किसी भी अच्छे ब्रांड का ही वाइप यूज़ करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज, जो आपको डायपर के केस में ध्यान रखनी है, कि अगर आप कंटिन्यूसली डायपर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको बच्चे की पी को ऑब्जर्व करना है कि वो कितनी बार कर रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग, कि बेबी जो है एक नॉर्मल जो पी है वो दिन भर में कम से कम 10 से 12 बार पास आउट करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ऑब्जर्व करना, क्योंकि डायपर में क्या होता है आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी बार बेबी ने पी किए, और इतनी बार कम से कम 10 से 12 बार तो उसने पी करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है, बेबी को एनालाइज करना है, डायपर को उसी अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है, उसी अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर वो पी कम कर रहा है तो फिर आपने जो है इट मींस कि बेबी की बॉडी हाइड्रेट नहीं है, या कोई ना कोई इंटरनली प्रॉब्लम है, तो फिर आपने डेफिनेटली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हाइजीन से रिलेटेड, कि आपने जब भी डायपर पहना रहे हैं उससे पहले जब आपने एयर ड्राई कर लिया, उसके बाद आप वहाँ पर कोकोनट ऑयल या किसी भी अच्छे ब्रांड का डायपर रेशेस क्रीम यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि डायपर रेशेस क्रीम सिर्फ रेशेस हो जाते हैं तभी यूज़ करते हैं। डायपर रेशेस क्रीम का मेन मोटो होता है बेबी की स्किन पे एक लेयर क्रिएट करना, जिससे कि जो पी या पू जो होता है बेबी का, वो उससे बेबी की स्किन थोड़ी सेफ रहे, आने वाली जो प्रॉब्लम है उससे ऑलरेडी वो सेफ, एक सेफ लेयर क्रिएट हो जाती है। तो या तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का डायपर रेशेस क्रीम ज़रूर यूज़ करें, रैदर देन आप सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल, जो कि आप अप्लाई कर दें अच्छे से, उसके बाद ही आप उसे डायपर पहनाएं, और डायपर खोलने के बाद भी आपने क्लीन करने के बाद कोकोनट ऑयल ज़रूर अप्लाई करना है। तो ये चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, तो बेबी की स्किन को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी उससे रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे इचीनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, रेडनेस भी नहीं होगी, दाने भी नहीं आएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम से आप उसे सेफ कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करोगे तो। आपके मन में क्वेश्चन होता है कि डायपर रेशेस क्रीम तो तभी यूज की जाती है जब रेशेस हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब रेशेस हो जाते हैं तब तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप टाइम टू टाइम उसे क्लीन करें और क्रीम को अप्लाई करें, ताकि जो चीज़ है उससे वो जल्दी रिकवर हो सके। लेकिन अगर डेली आप डायपर पहनाती है तो इस चीज़ का ध्यान पहले से ही प्रिकॉशन लेकर चलें, या तो डायपर रेशेस क्रीम आपने दिन में 2 बार अप्लाई करें, या हर एप्लीकेशन के बाद, यानी कि हर डायपर को चेंज करते हैं के बाद आपने कोकोनट ऑयल को तो अप्लाई करना ही करना है, इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। डायपर हमेशा बड़ी साइज में इन्वेस्ट करें, यानी कि जितने भी डायपर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, हर डायपर के ऊपर साइज मेंशन होता है, केजी भी इनफैक्ट मेंशन होता है कि 2 से 5 किलो के केजी के बच्चे के लिए कौन सा साइज़ होगा, या 8 से 10 केजी के लिए कौन सा साइज़ होगा, 12 से 15 केजी के लिए कौन सा साइज़ होगा, तो क्लियरली मेंशन होता है। तो आपने ये पता होना चाहिए कि आपके बेबी का क्या साइज़ है, उससे एक साइज बड़े डायपर में इन्वेस्ट करें, जिससे क्या होगा ना, बेबी को भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। बहुत टाइट डायपर डेली यूज़ ना करें, वो भी स्किन को इरिटेट करता है, और उससे भी बहुत सारे रेशेज और बहुत सारी चीज़ें के होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने हमेशा एक साइज़ बड़े डायपर का यूज़ करना है, उसी में इन्वेस्ट करना है। डायपर
डायपर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, इम्पोर्टेंट बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज बाइंग अ गुड क्वालिटी डायपर, साइज का प्रॉपर चेक करें, हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करें। अगर ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करके चलेंगे आप डेफिनेटली जो है डेली डायपर का यूज़ कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डायपर्स। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो हम उसका एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करेंगे। और लास्ट में आपको ये कहना चाहती हूँ कि डायपर का मुझे कुछ ड्रॉबैक लगता है जो मैं पर्सनली आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली, वो मैं आपको बताती हूँ। पर्सनली कीवी के लिए डायपर सिर्फ हम लोग बाहर जाते हैं तभी यूज़ करती हूँ, या फिर मैं नाइट में यूज़ करती हूँ, जिससे कि बेबी को जो है अननेसेसरी वेट फील ना हो और उससे कोई सर्दी जुखाम के चांसेस ना रहें। प्रेफर करती हूँ क्लोथ डायपर को, दिन भर में हम उसे क्लोथ डायपर ही पहनाते हैं। मैंने बेबी हक से क्लोथ डायपर परचेज किए हुए हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने, जो बेबी के बाथिंग के वीडियोस हैं, मसाज के वीडियोस हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा है हमने क्लोथ डायपर ही बेबी को पहनाया, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड आए। तो आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। मैं उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो करूँगी, सो उसमें आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तरह से सेफ है, कुछ लोगों का मानना है कि क्लोथ डायपर क्यों यूज़ करें जब डायपर्स इतने सेफ है। तो मेरा ये मानना है कि वो हर तरह से, आप अगर किसी अच्छे ब्रांड का लोगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा। आप उसमें एक बार ही इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट देगा। मैं 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और उसे आप रीयूज़ कर सकते हो, अच्छे से वॉश कर सकते हो, धूप में भी सुखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम मुझे आज तक उसमें नहीं आई है। उसका मटेरियल कॉटन का आता है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल आता है, बेबी की स्किन को कोई नुकसान अभी तक तो भी नुकसान मुझे उसका दिखा नहीं है। मैं तो उसे साल भर से ऊपर हो गया यूज़ कर रही हूँ, अभी अभी मैंने बंद किया है, बिकॉज बेबी जैसे जैसे थोड़ा ग्रो होता है तो अभी हमने कीवी को पजामास पे शिफ्ट किया है। इनफैक्ट आप उसमें एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि बेबी कितनी बार पी कर रहा है, आपको चेंज करना पड़ेगा। ये उसका ड्रॉबैक नहीं कह सकते, बिकॉज मुझे सबसे मेजर ड्रॉबैक डायपर में बच्चे का यही लगता है कि आपको कितनी बार उसमें भी आपने चेक तो करना ही पड़ेगा, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा बच्चे ने कितनी बार पी की है या की है या नहीं की है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है मुझे डायपर का। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि घर में एज मच एज आई कैन क्लोथ डायपर पहनाऊँ, लेकिन आप वो भी किसी अच्छे ब्रांड का ही पहनाएं, जैसे कि हम लोग बेबी हक का यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा जो है उसका मटेरियल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डायपर। तो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा है। पसंद आया गाइज तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।